जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, राधे राधे। श्री कृष्ण गौशाला लोहा में आज अभी श्री कृष्ण गौशाला लोहा में अभी दही हांडी का प्रोग्राम होगा, बहुत ही शानदार है। इसमें दही, मक्खन, मलाई, चीनी सब चीजें मिला दी गई है। इसमें अभी कृष्ण भगवान है, कुछ ही देर में पधारेंगे, इस दही की हंडी को फोड़ेंगे। पधारने ही वाले अभी, देखिए थोड़ी देर बाद है। कृष्ण भगवान है दही खाते हुए, खट्टा नहीं है, मीठा है। कृष्ण भगवान दही मीठा है, दही खा लीजिए। कृष्ण भगवान दही खा रहे हैं। मोटे जमाना का खाना चाहिए, मीठो चाहिए। एक बार मिलाई है चीनी ने, दही ने, मक्खन है, मलाई ने, सब चीजें मिलाई है। कृष्ण भगवान दही की हांडी के पहुंच चुके हैं। दही हांडी को कार्यकर्ता बांध रहे हैं। ये देखिए दही हांडी बांध दी गई है, अभी कुछ ही देर में इस दही हांडी को फोड़ा जाएगा। कितनी सारी भीड़ लगी हुई है दही हांडी को फोड़ने में। अब देखते हैं कौन फोड़ता है। श्री कृष्ण गौशाला लोहा में गौ माताओं के संग अभी दही हांडी का फोड़ने का प्रोग्राम होगा, बहुत ही शानदार है। गौ माताओं के संग श्री कृष्ण गौशाला लोहा में ये देखिए सारी गौ माताएं, और अभी ये देखिए दही हांडी का प्रोग्राम है अभी होने ही वाला है। दही हांडी फोड़ने के लिए कृष्ण जी को ऊंचाई पे चढ़ाया जा रहा है। एक पंक्ति नीचे लग चुकी है, दूसरी पंक्ति उसके ऊपर है, अभी तीसरी और लगेगी। ये देखिए तीसरी पंक्ति लग रही है अभी इस दही हांडी को फोड़ने के लिए। कन्हैया चढ़ देने वाला है, कन्हैया चढ़ रहा है ऊपर, वो चढ़ गया कन्हैया, और वो उतारा कन्हैया ने नारियल। ये देखिए कन्हैया दही हांडी फोड़ रहा है कन्हैया दही हांडी। कन्हैया दही हांडी को फोड़ रहा है, फोड़ दो दही, मक्खन निकलेगा अभी। देखो दही हांडी में, इसमें दही, दूध, मक्खन, मिश्री, सभी चीजें मिलाई हुई है। ये दही हांडी को फोड़ दिया है कन्हैया ने। ये सारे मक्खन से, दही से हांडी फूटी तो सारे दही से, मक्खन से भर गए हैं। ये देखिए बहुत ही अपार भीड़ के साथ श्री कृष्ण गौशाला लोहा में दही हांडी का आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ये प्रोग्राम रखा गया श्री कृष्ण गौशाला लोहा में गौ माताओं के संग। श्री कृष्ण गौशाला लोहा में दही हांडी को फोड़ दिया गया है और सभी प्रसाद ले चुके हैं। बच्चों में होड़ लगी है इन गुब्बारों को फोड़ने के लिए भी। ये देखिए बच्चे गुब्बारे फोड़ रहे हैं। ये देखिए बच्चों ने फोड़ दिए हैं सारे गुब्बारे, सारे गुब्बारे फोड़ दिए बच्चों ने। ये देखिए बच्चों में कितनी होड़ लगी है गुब्बारों को फोड़ने के लिए श्री कृष्ण गौशाला लोहा में गौमाष्टमी के इस पावन पर्व पे, भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन के शुभ अवसर पर दही हांडी का ये प्रोग्राम किया गया, बहुत ही शानदार है। गौ माताओं के संग श्री कृष्ण गौशाला लोहा में ये देखिए सारी गौ माताएं, गौ माताओं के प्रांगण में गौ माताओं के संग ये प्रोग्राम मनाया गया दही हांडी का। दही हांडी के प्रोग्राम में सारे बच्चे, बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान सभी पधारे। दही हांडी का बहुत ही शानदार प्रोग्राम किया गया श्री कृष्ण गौशाला लोहा में।
जय गौ माता, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दही हांडी के इस प्रोग्राम में सभी ग्रामवासी पधारे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। यूट्यूब चैनल SMS लोहा में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी सब्सक्राइबर है, लाइक है, शेयर है, जरूर कर दें। जय गौ माता, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दही हांडी का बहुत ही शानदार प्रोग्राम हो चुका है गौ माताओं के संग श्री कृष्ण गौशाला लोहा में। ये देखिए सारी गौ माताएं, राधे राधे, जय गौ माता, जय श्री कृष्णा। और ये देखिए कृष्ण जी, ये छोटे से कृष्ण जी जो अभी दही हांडी फोड़ी थी कृष्ण जी ने, श्री कृष्ण गौशाला लोहा में। और नारियल बताओ, प्रसाद ले लो। इस नारियल से दही हांडी फोड़ी गई थी। अब इस नारियल में जो चिटकी है वो प्रसाद के रूप में सभी को बांटती जाएगी। ये चिटकी प्रसाद है, मक्खन है, चिटकी, ये सारा कृष्ण भगवान का प्रसाद है। तो सभी इस प्रसाद को खा के जाए, सभी प्रसाद लेके जाए।